हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज का व्लॉग जो है वो ईद का व्लॉग है। सो स्टार्ट करते हैं मेहंदी से। बेसिकली मेहंदी जो है वो ईद का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बगैर तो आई थिंक ईद जो है वो इनकम्प्लीट ही है। सो मैंने जो सोचा ये कि जुहा के सबसे पहले मेहंदी लगा दी जाए, तो मैंने जो है वो मेहंदी लगाना शुरू की। अच्छा, इसके हाथों पे मेहंदी लगाना ना बहुत ही कोई मुश्किल काम लग रहा था मुझे, बट मैं सक्सेसफुली जो है वो मैंने मेहंदी कंप्लीट कर दी। छोटे छोटे हाथ थे और बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो इतना खुश हो रही थी मेहंदी को देखकर। सो मेहंदी जो है इसकी कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि अपने भी लगा ली जाए मेहंदी। सो मैंने अपने मेहंदी लगाने के लिए एक अरेबिक डिज़ाइन पसंद किया था, और वो अरेबिक डिज़ाइन मुझे बनाने में मुश्किल हो रही थी, हालांकि वो बहुत इजी था। अभी आप लोगों के साथ प्रोसेस सारा मैं शेयर करूंगी। तो डिज़ाइन बहुत इजी था बट मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने जो है वो किसी तरह से स्टार्ट कर लिया। अब स्टार्ट कर लिया है तो मुझे ये डर लग रहा है कि ख़राब ना हो जाए मेरी मेहंदी, बट देखते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन को जो है मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाती हूँ। अच्छा, इस तरह की मेहंदी ना, इस तरह के डिज़ाइंस में बहुत कम के आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही थी, अरेबिक डिज़ाइन जिसको बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि अरेबिक डिज़ाइन वाली मेहंदी जो है वो लगा ली जाए इस दफ़ा, जो कि बहुत ही मिनिमल सा डिज़ाइन होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैंने जो है वो स्टार्ट किया, लाइन तो सीधी लग गई मुझसे, बस मुझे लाइनों का टेंशन थी कि सीधी ना लगी तो ख़राब हो जाएगा हाथ। और ये मेहंदी भी इंस्टेंट मेहंदी थी, लाइक इसका कलर फ़ौरन से आ जाता था। तो खैर मैंने लाइनें वगैरह लगाई, और लाइन लगाने के बाद मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और सामने लैपटॉप पे मैंने डिज़ाइन खोला हुआ था, तो बार बार उधर देखना और अपने आप को मेहंदी लगाना ना सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे। लेकिन खैर सक्सेसफुली मैंने जो है वो डॉट्स भी जो है वो लगाना शुरू किए, और सक्सेसफुली वो अच्छे ही लग रहे थे, मतलब ख़राब नहीं लग रहे थे। लाइनें जो है मेरी सीधी सीधी लग रही थी, और ये जो बॉक्सेस टाइप बन रहे थे ये भी अच्छे ही बन रहे थे। सो मैंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया, जो कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि वाह ये तो बहुत अच्छा बन गया, लाइक जिस तरह का मैं देख रही थी ना बिल्कुल उसी तरह का बन गया। उसके बाद जो है वो बारी थी उंगलियों पे लगाने की। अच्छा, फिंगर्स पर डिज़ाइन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि ये सिंपल सिंपल डिज़ाइंस थे और मैं इस तरह के डिज़ाइन ऑलरेडी इतने ज़्यादा बना चुकी थी। सो अभी आप लोग जो है वो मेहंदी का प्रोसेस इंजॉय करें, फिर इसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कंप्लीट करके किस तरह का लगा।
उसका भी छोटा सा पार्ट मैं इस वीडियो में लगा दूं। खैर, क्योंकि ये तो आई थिंक हर घर में ही हो रहा होगा। और जी, बड़ी ईद है तो बड़ी ईद पर तो ये चीजें जो है वो मस्ट है। सो आई वॉज देयर नॉट टू हेल्प देम बट जस्ट टू रिकॉर्ड द मोमेंट्स। सो उसके बाद जी हमारा दिन यहाँ पे खत्म हुआ। ईद डे टू जो है वो शुरू हो गया था। ईद डे टू का मेरा जो आउटफिट था वो कुछ इस तरह का था, और ये बहुत ही एक प्यारा सा ड्रेस है जो कि सफायर से मैंने खरीदा था। और उसके साथ साथ जो है मैंने अपना ड्रेस निकाला, क्योंकि ईद डे टू होता है तो हमने थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए जाना था। और साथ में मैंने ये शूज़ निकाले जो कि मैंने इंडोर से बाय किए थे, और ये ड्रेस के साथ ना बड़े अच्छे चल रहे थे। खैर, उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया, क्योंकि ईद डे टू था और कोई काम नहीं था, तो हम लोग जो है वो निकल पड़े। और यहाँ पर हम सब लोग जो है वो एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो आप लोग भी फिलहाल मेरे साथ हमारी ये जर्नी एंजॉय करें। पर जो है ईदियाँ मिलने का सिलसिला अभी तक चल रहा था, और बहुत सारी ईदियाँ इकट्ठी हुई। बड़ा मज़ा आया ईदी लेने का। और उसके बाद जो हम लोग जो है वो पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पर। और खैर, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पहुँच कर इंजॉय किया, खाना शाना खाया, रेस्ट किया और बातें भी की, और अपनी ईद को इंजॉय किया, अपने मोमेंट्स को जो है वो मेमोरेबल बनाया। और बच्चे जो है वो अपना ही तरीके से इंजॉय कर रहे थे। खैर, ये सारे काम करने के बाद काफ़ी रात हो गई थी और हमें घर को वापस आना था। तो ये था जी ईद डे वन और ईद डे टू मेरा कैसा गुजरा। मैंने आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स शेयर किए हैं। अब आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका ईद डे कैसा गुजरा। ईद डे वन, टू और इधर ईद डे थ्री किस तरह से गुजरी आप लोग, किस तरह से मनाते हैं, कि सोकर मनाते हैं, जाकर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं या क्या करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड एंजॉय योर ईद विद योर लव्ड वन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज।